गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक, इसको शॉर्टकट में एलसीएम कहते हैं। आज हम भाग भी द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अभाज्य संख्याएं क्या होती है ये जान लें। ऐसी संख्या जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता वह अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, मतलब 2 में सिर्फ 1 और 2 का भाग जाएगा, 3 में 1 और 3 का भाग जाएगा, 5 में 1 और 5 का भाग जाएगा। इसके अलावा ये संख्याएं किसी से भी नहीं कटेंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। लिखा है 12 और 9। 12 और 9 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करेंगे। कितनी है, 2। 2 × 12, 9 तो 2 से कटेगा नहीं, इसलिए कोई बात नहीं, हम 9 को वैसे उतार लेंगे। 2 से फिर 6 कट जाएगा, 2 × 3, 6, फिर 9 वैसे उतरेगा। अब ये संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी, इसलिए हम आगे के अभाज्य संख्या लेंगे। कितनी लिखी है, 3। 3 पे आएंगे, 3 × 3, 3 × 3, 9। अब देखिए ये 1 है तो 1 वैसे उतार लेंगे, 3 × 3। जैसे यहाँ पे 1 1 आ जाएगा हम स्टॉप कर देंगे और आगे की संख्याओं को गुणे में लिख लेंगे। यही हमारा एलसीएम होता है। 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, यानी कि 12 और 9 का एलसीएम कितना आया, 36। सेकंड देखिए, दिया है 36 और 48, सेम 2 से, फिर हम 2 से इसको भाग देंगे, ये 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 के पहाड़ी में 6 भी आता है, 2 के पहाड़ी में 8 भी आता है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं 2 से कट सकता है कि नहीं। 2 × 9, 2, 1 बचा और 6 बचा, 2 × 8, 16, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, अभी भी ये 2 से कट जाएगा, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 2, 2 × 2 = 4। 2 से 9 नहीं कटेगा पर 12 तो कट ही जाएगा, तो फिर ये 9 वैसे उतारेंगे, 2 × 12, अभी भी 6 कट जाएगा तो 9 वैसे उतारेंगे, 2 × 3 = 6। अब देखिए 3 से कटेगा, आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 3 पे। 3 से कटेगा, 3 × 3, 9, 3 × 9, 3, फिर देखिए 3 × 9, 3 और 1 ऐसे ही उतार लेंगे, 1 1 आ गया, अब ये स्टॉप हो गया। आगे की सारी संख्याओं गुड़े में लिखना है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48, 48 3 × 3 = 144, यानी कि 36 और 48 का एलसीएम कितना हुआ, 144। देखिए थर्ड देखते हैं, 28, 6, 15, यानी कि 3 संख्याएं दी हैं, कोई बात नहीं वैसे ही लिखना है। देखिए 28 और 6 तो 2 कट से कट जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 8, 2 × 3 = 6, 15 वैसे ही उतारेंगे। अब 14 कट जाएगा, 2 × 7 = 14 और 3 × 15 वैसे ही उतार लेंगे। अब देखिए 3 और 15, 3 से कट जाएगा, अब 3 पे आएंगे, 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है, 3। 7 वैसे उतार लेंगे, 3 × 3 = 15। अब देखिए 7 × 1 = 5, 5 पहले आता है तो 5 से काटेंगे, 7 वैसे उतरेगा, वैसे उतरेगा, 5 × 5, फिर 7 पे आएंगे, 1 1 1, तीनों जगह 1 आएगा, यहाँ पे स्टॉप। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए आगे की संख्याओं का क्या करते हैं, गुणा, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 को 70 से गुणा करने पे आता है 420, यानी कि 24, 6, 15 का एलसीएम कितना आया, 420। इस तरह से हम भाग विद द्वारा एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।